आप सभी को मेरी नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक उदाहरण लेकर आया हूँ, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई के संबंध में पूछा है कि उनके छोटे भाई को किसी गलत केस में विजिलेंस के द्वारा बुक किया गया और उनको जेल भेजा गया सितंबर के मिड में। तो 4 अक्टूबर 2022 को मेरे पास प्रश्न आया, जिसमें उन्होंने पूछा कि छोटे भाई को जमानत कब मिलेगी। उन्होंने हुरारी नंबर जो है 13 दिया और ये प्रश्न मैंने 4 अक्टूबर 2022 को शाम के 8:40:49 लुधियाना में ये प्रश्न मैंने देखा। अब जैसा कि बड़े भाई ने छोटे भाई के संबंध में प्रश्न किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके भाई को जमानत कब मिलेगी, यानी कि केस में कब उनका फायदा होगा और कब वो घर वापस आएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले चार्ट को बिना रोटेट किए चंद्रमा के द्वारा जो स्थिति मुझे दिखाई दी उनके, तो चंद्रमा यहाँ पर दशम भाव में स्थित चौथे भाव का स्वामी, चौथा भाव जो है घर को रेजिडेंस को दर्शाता है। चंद्रमा आगे सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य जो है वो सरकारी तंत्र, सरकार, जो भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले अधिकारी, जज, इन सबको दर्शाता है। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य जो है छठे भाव में स्थित है, छठा भाव जो होता है कोर्ट केस लिटिगेशन का, और पांचवा भाव जो है वो रिलीफ का भी है। चंद्रमा आगे शुक्र के उप नक्षत्र में, शुक्र जो है छठे भाव में स्थित है, 2-7 का स्वामी है, तो यहाँ पर छठा भाव जीत, चौथा भाव घर, यानी कि कोर्ट केस में जमानत के लिए जो वो अपील करें उसमें जीत और घर वापसी के लिए जमानत के लिए प्रश्न की सार्थकता पता चलती है। अब यहाँ पर बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए प्रश्न किया है, तो यहाँ पर हाउस रोटेशन किया जाएगा, तीसरे भाव को लगन पर लाया जाएगा। अब जैसा कि ये छोटे भाई का लगन बन गया है, तो आपको ये बता दूं कि जमानत के लिए जो नियम होता है कि 12वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी, 12वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी, 12वां भाव होता है जेल का, तो वो जेल में थे, तो 12वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी छठा भाव कोर्ट केस, छठा भाव जीत, छठा भाव प्राप्ति, छठे भाव का 11वें भाव, 11वां भाव लाभ का, फुलफिलनेस ऑफ डिजायर्स गेन, यानी कि 11वां भाव जो है लाभ का, तो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6-11 भावों का कारेश हो, तब जो है जमानत मिल सकती है। इसके अलावा 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि दूसरे भाव परिवार का, चौथे भाव घर का, 11वें भाव लाभ का कारेश हो, तो यानी घर में परिवार के साथ मिलन या घर वापसी, तो नियम के अनुसार 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6-11 में से किसी का कार्यशो या 2-4-11 में से किसी का कार्यशो, तो जमानत जो है अवश्य होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो सूर्य से लेकर केतु और 1-12 भाव की विस्तृत जानकारी जो है हमें पता चलती है, हर ग्रह किस नक्षत्र किस उपनक्षत्र में है, हर भाव किस नक्षत्र किस उपनक्षत्र में है, और इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि 4 अक्टूबर 2022 को उस समय क्या कोई ग्रह वक्री चल रहे थे। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि उस समय गुरु वक्री चल रहा था, शनि वक्री चल रहा था, शनि जज का कारक होता है, और इसके अलावा देखें तो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि ही है जो कि उस समय वक्री था, तो वक्री होने से काफ़ी फेर बदल होते हैं। तो यहाँ पर क्या 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि हमारे नियम पर बैठ रहा है, यदि इसकी तरफ हम ध्यान दें तो। बारहवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि 8वें भाव में स्थित है, 8-9 का स्वामी है, 8वां भाव रुकावट का, ऑब्स्ट्रक्शंस का, डिजेक्शन का, 9वां भाव जो है दशम का व्यय भाव, शनि जो है मंगल के नक्षत्र में है, मंगल जो है 12वें भाव में स्थित है जो कि जेल, छठे और 11वें भाव का स्वामी है,
जो कि जीत और लाभ, कोर्ट केस और लाभ को दर्शाता है। शनि आगे राहु के उपनक्षत्र में है, राहु जो है 11वें भाव में स्थित है यानी कि लाभ। राहु जो है मंगल की मेष राशि में है और मंगल जो है 12वें में स्थित है, 6-11 का स्वामी है, तो यहाँ भी 12वां भाव जेल, 6ठा भाव जीत और लाभ को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी नियम के अनुसार 6-11 का कारेश है, उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर नियम के अनुसार जो है पूर्ति हो रही है, शनि टेनेंटेड है, शनि का उपनक्षत्र राहु जो है आगे वो शुक्र के नक्षत्र में है। हालांकि हमें नक्षत्र उपनक्षत्र पर ही पॉजिटिव भाव मिल गए हैं तो जमानत अवश्य होगी, लेकिन रुकावटों के साथ, क्योंकि एक तो शनि वक्री है, तो यहां पर जैसा कि मैंने उस समय देखा कि जो शनि था अक्टूबर 2022 में प्रश्न पूछा गया, तो 4 अक्टूबर 2022 को प्रश्न पूछा गया, उस समय जो है शनि वक्री 294 डिग्री पर चल रहा था और शनि मार्गी हो रहा था 24 अक्टूबर को। तो यहां पर शनि या तो मार्गी होने के बाद फल देगा या फिर शनि जिस डिग्री से वक्री हुआ था, तो यदि हम पीछे जाते हैं तो जून 2022 को शनि जो है 301 डिग्री पर वक्री हुआ था और मार्गी जाकर हो रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा, 24 अक्टूबर 2022 को। तो 24 अक्टूबर 2022 और इससे आगे पूरे अक्टूबर में भी कई तारीखें आई। हालांकि मैंने उन्हें यह बताया कि जब शनि 301 डिग्री पर पहुंचेगा या उसके अंतर्गत 3 डिग्री 20 ऑर्बिट के अंतर्गत पहुंचेगा तब जमानत हो सकती है, क्योंकि शनि मार्गी होने के बाद जमानत निरस्त हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि कब हो सकती है, तब मैंने बताया कि जनवरी के महीने में ही जमानत होगी, उससे पहले होना मुश्किल है। और ये मैंने उनको लगभग 27-28 अक्टूबर को ही बता दिया था, क्योंकि उसके बाद जब शनि मार्गी हुआ तो उसके बाद एक जमानत निरस्त हुई। अब पूरा नवंबर का महीना निकला, पूरे नवंबर के महीने में जमानत नहीं हुई, फिर पूरा दिसंबर का महीना भी आया तो दिसंबर के महीने में भी जमानत नहीं हुई, लेकिन 301 डिग्री पर शनि जो है वक्री हुआ था, तो 301 डिग्री से 3 डिग्री 20 ऑर्बिट माइनस करते हैं तो 298 डिग्री पहुंचता है, और 298 डिग्री जो है वो 29 दिसंबर को पहुंचता है। तो 29, 30 और 31 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टियों के कारण कोर्ट बंद, और उसके बाद जब 2023 जनवरी जब चढ़ी तो 1 जनवरी 2023 को रविवार, उस दिन भी कोर्ट बंद, उसके बाद 2 जनवरी से लेकर 301 डिग्री तक यदि देखें तो यहाँ पर क्योंकि 3 डिग्री 20 ऑर्बिट के अंतर्गत 298 डिग्री महत्वपूर्ण, तो मैंने उन्हें बताया कि जनवरी के महीने में यदि कोई कोर्ट की अपील या कोर्ट की तारीख मिलती है, हेयरिंग होती है, तब जो है पॉजिटिव चांस हो सकता है। तो 4 जनवरी को हेयरिंग जो थी, 4 जनवरी 2023 को हेयरिंग थी, और मैंने उन्हें यही बोला कि 4 जनवरी ही को ही पूरा तारुमदार है, इसी दिन उनकी जमानत होने के प्रबल योग हैं, क्योंकि शनि जो है वो मार्गी होने के बाद 301 डिग्री के 3 डिग्री 20 ऑर्बिट के अंतर्गत पहुंचेगा तो 298 डिग्री, और जिस दिन इस पीरियड में हेयरिंग होगी तो पॉजिटिव है कि जमानत अवश्य होगी। और 4 जनवरी 2023 को हियरिंग थी, दोपहर को 3:42-45 पर मैंने जब उनसे फ़ोन करके पूछा तो मुझे पता चला कि हाँ उनकी जमानत हो गई है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि कृष्णमूर्ति पत्नी के माध्यम से 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी नियम के अनुसार 6-11 का कारेश जीत उपनक्षत्र पर भी 11वें भाव को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो, और इसके साथ साथ यदि आप देखें तो जो दशा यदि देखें, जिस प्रकार से 4 जनवरी को तारीख थी तो
31 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो है शनि की प्रत्यंतर दशा, और शनि हमने देखा कि पॉजिटिव, तो हेरेंग के दौरान चलने वाली जो प्रत्यंतर दशा शनि की वो भी पॉजिटिव, और यहां पर यदि हम देखते हैं अंतर दशा शुक्र की, तो शुक्र भी जो है चंद्र के नक्षत्र में दूसरे भाव और राहु के उपनक्षत्र में 11वें भाव, 2-11 यानी परिवार के साथ मिलन, परिवार के साथ लाभ, पूर्ण मिलन, रीयूनियन। तो इस प्रकार से ये जो है जमानत की प्रिडिक्शन जो है सही हुई थी। आशा है आप सभी को ये जो उदाहरण है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे ऐसे ही और भी उदाहरण समय समय पर मैं देता रहूंगा, आप जुड़े रहें। धन्यवाद।